कई लोगों का ऐसा मानना है कि क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे तेज बॉलर्स की जिन्होंने ये साबित कर दिया, और इन द फील्ड भी उन्होंने अपनी एक अलग ही दहशत बना रखी थी। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से ग्रेट बॉलर्स हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 10. जेफ थॉम्सन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास एक वक्त जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली जैसे बॉलर्स थे। इनकी जोड़ी कमाल की थी। जेफ थॉम्सन का बॉलिंग एक्शन इनको पूरी बॉलिंग कम्युनिटी से अलग करता था। इनके एक्शन और तेज बॉल्स के सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी खौफ खाते थे। 1975 की एशेज सीरीज में लिली और जेफ थॉम्सन ने अकेले ही इंग्लिश बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। हालांकि इस वक्त इंग्लैंड की टीम में शानदार बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन जेफ के खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने कोई भी टिक नहीं पाया था। कहते हैं एक बॉलर का हाथ देकर पता लगाया जा सकता है कि वो किस तरह का बॉल फेंकेगा, और यही जेफ थॉम्सन का राज था कि वो किसी को हाथ ही नहीं पड़ने देते थे, क्योंकि उनके इस अनोखे बॉलिंग एक्शन में उनका हाथ नजर ही नहीं आता था। 9. एंडी रॉबर्ट्स, वेस्टइंडीज। वेस्टइंडीज के पास हमेशा से ही बहुत तेज बॉलर्स रहे हैं। शुरू शुरू में तो वेस्टइंडीज को इन्हीं खतरनाक बॉलर्स की वजह से काली आंधी भी कहा जाता था। एंडी रॉबर्ट्स भी इन बॉलर्स में से एक है। इनको क्रिकेट की तारीख का सबसे खतरनाक बॉलर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉबर्ट इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते थे कि उनके सामने खड़ा बल्लेबाज कोई लेजेंड है या इनाड़ी। वो बस विकेट गिराने या बल्लेबाज को ढेर करने की सोचते थे, और क्रिकेट में सबसे पहले स्लो डिलीवरी का इस्तेमाल भी एंडी रॉबर्ट ने ही किया था। हालांकि उनके पास स्पीड की कोई कमी नहीं थी, मगर वो बल्लेबाज को स्लो डिलीवरी पर आउट करना ज्यादा पसंद करते थे। 8. माइकल होल्डिंग, वेस्टइंडीज। वेस्टइंडीज को जिस दौर में काली आंधी कहा जाता था, तब माइकल होल्डिंग ही थे जिन्होंने इस अटैक की डोर संभाल रखी थी। उस वक्त स्पीड चेक करने के मीटर नहीं हुआ करते थे, वरना इस बात में कोई शक नहीं कि माइकल होल्डर दुनिया के तेज तरीन बॉलर होते। बहुत से बल्लेबाज तो इनका लॉन्ग रनर अप देख के ही डर जाते थे। दुनिया के अजीम बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि होल्डिंग का सामना करना मौत के सामने खड़े होने जैसा है। होल्डिंग के पास सबसे बड़ा हथियार इनकी लेंथ और स्पीड थी, और अपनी इसी स्पीड के बलबोते पर उन्होंने क्रिकेट में राज किया था। 7. एलन डोनाल्ड। एलन डोनाल्ड भी अपने वक्त के एक अजीम बॉलर थे। इनके दौर में खेलने वाले बल्लेबाज जानते हैं कि डोनाल्ड डर का दूसरा नाम हुआ करते थे। एक बल्लेबाज जो इनके दौर में खेलता था, उसने कहा था कि मैं डोनाल्ड का सामना करने से बेहतर रिटायर होना पसंद करूंगा। डोनाल्ड का रनर अप बहुत सिंपल था। वो अपने बाजुओं की मदद से स्पीड जनरेट करते थे, और इनको कलाइयों के इस्तेमाल में बहुत महारत थी। स्पीडी बाउंसर मारने हो या स्लो डिलीवरी फेंकनी हो, डोनाल्ड दोनों में कमाल थे। उन्होंने अपने कैरियर में जैसे शानदार तरीके से राज किया, उनके कैरियर की एंडिंग इतनी ही बुरी थी, क्योंकि अपने कैरियर के आखिर में वो बहुत सारी इंजरीज का शिकार हो गए थे। मतलब ये शेर बूढ़ा ही नहीं, जख्मी भी हो चुका था। 6. वकार यूनुस, पाकिस्तान को बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा ही क्रिकेट को कई अजीम बॉलर्स दिए हैं। वकार यूनुस भी उन्हीं में से एक है। तेज बॉलर्स हमेशा बल्लेबाजों के सर को टारगेट करते हैं, लेकिन वकार यूनुस बल्लेबाजों के पांव जख्मी करते थे। इनके खतरनाक यॉर्कर्स किसी भी बल्लेबाज के लिए बंदूक की गोली की तरह थे। ये नहीं कि वकार यूनुस बाउंसर नहीं करते थे, कभी कभी वो गुस्से में बल्लेबाजों के सर में भी बाल दे मारते थे, और वो भी बीमर। वकार यूनुस बहुत गुस्से वाले बॉलर थे। बाउंड्री लगते ही इनका गुस्सा बढ़ जाता था, और फिर बल्लेबाज को इनके यॉर्कर्स और बाउंसर्स का सामना करना पड़ता था। एक बार तो वकार यूनुस के खतरनाक बाउंसर ने इंडियन लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर को जख्मी भी कर दिया था। इनको आज भी दुनिया के सबसे जबरदस्त यॉर्कर करने वाले बॉलर्स में गिना जाता है। 5. मिचेल जॉनसन। मिचेल जॉनसन के बारे में हर क्रिकेट देखने वाला जानता होगा। बल्लेबाजों का विकेट गिराने से लेकर बाउंसर और गर्मा गर्मी हर चीज में जॉनसन आगे थे। इनकी विराट कोहली और पीटरसन के साथ हुई गर्मा गर्मी कोई नहीं भूल सकता। और यही नहीं, जॉनसन ने अपने कैरियर में बॉल से भी राज किया है।
जॉनसन क्रिकेट में इस मौके पर आए थे जब दुनिया को लग रहा था कि क्रिकेट में तेज बॉलर्स अब खत्म हो चुके हैं। 2013 के एशेज में वो अपने कैरियर की पीक पर थे। उन्होंने पूरे एशेज में अपना सिक्का चलाया था। आजकल विकेट ऐसी नहीं बनाई जाती कि वो पेस जनरेट कर सके, लेकिन ऐसी विकेट पर भी जॉनसन की बॉल हवा से बातें करती थी। जॉनसन के बाउंसर से बल्लेबाज खुद को बचा नहीं पाते थे, क्योंकि इनका बाउंसर बल्लेबाज के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता था और बैट्समैन ये जज ही नहीं कर पाते थे कि बाउंसर आएगा या यॉर्कर। हालांकि जॉनसन का कैरियर इतना तवील नहीं था, लेकिन अगर खतरनाक बॉलर्स की बात करें तो जॉनसन के बिना बात पूरी नहीं हो सकती। 4. लसित मलिंगा। श्रीलंका के पास भी कई अजीम बॉलर्स रहे हैं, मगर इनमें ज्यादातर स्पिनर्स और मीडियम पेसर थे। मगर मलिंगा वो वाहद बॉलर हैं जिन्होंने खुद को एक खतरनाक बॉलर साबित किया। इनका अनोखा बॉलिंग एक्शन इनको पेस जनरेट करने में खासी मदद देता है, और इनके खतरनाक यॉर्कर्स से तो आप वाकिफ़ होंगे। मलिंगा का किया गया यॉर्कर भी गोली की तरह बल्ले के नीचे से गुजर जाता था, और बल्लेबाज को तब पता चलता था जब विकेट उड़ चुकी होती थी। टेल अंडर बैट्समैन तो मलिंगा के अजीबोगरीब एक्शन का ही शिकार हो जाते हैं, इसीलिए तो मलिंगा 2 बार 4-4 विकेट्स भी ले चुके हैं, और वो भी अच्छी टीम्स के खिलाफ। एक बार तो उन्होंने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को ही तबाह कर दिया था। 3. शेन बॉन्ड। वैसे तो इस खतरनाक बॉलर का कैरियर कई सारी इंजरीज और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गया था, लेकिन अगर खतरनाक बॉलर्स की बात हो रही हो तो शेन बॉन्ड को भी इस लिस्ट में शामिल करना जरूरी है। एक खूबसूरत रनर अप और एक्शन वाले शेन बॉन्ड अपने हाई आर्म एक्शन से पेस जनरेट करते थे, और अपने छोटे से कैरियर में कई बल्लेबाजों के सर को निशाना भी बना चुके हैं। इनके आगे रिकी पोंटिंग जैसे अजीम बल्लेबाज भी टिक नहीं पाते थे। शेन बॉन्ड के पास स्पीड के साथ साथ स्विंग भी थी, और वो इसका इस्तेमाल बखूबी करते थे। जितनी देर वो इन द फील्ड रहे, बॉल के साथ राज करते रहे, और कई बार तो अकेले शेन बॉन्ड ने ही अपनी बॉलिंग के दम पर न्यूजीलैंड को जीत भी दिलवाई। 2. ब्रेटली। ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के खतरनाक बॉलर की बात हो रही तो ब्रेटली का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ब्रेटली दुनिया के दूसरे तेज तरीन बॉलर हैं। ब्रेटली भी अपनी तेज बॉलिंग की वजह से बहुत जाने जाते थे, और इनका खूबसूरत एक्शन और कलाई का इस्तेमाल इनको पेस जनरेट करने में मदद देता था। अपने कैरियर में वो कई बल्लेबाजों को हार्ट रिटायर्ड भी कर चुके हैं। वो बल्लेबाजों के सर और पांव दोनों को टारगेट किया करते थे, इसीलिए टेल अंडर बैट्समैन तो इनके खौफ से ही आउट हो जाते थे। ऑस्ट्रेलिया के पास हमेशा ही ऐसे खतरनाक बॉलर रहे हैं, लेकिन ब्रैटली उनमें से सबसे खतरनाक बॉलर थे, और वो काफी अरसे तक क्रिकेट में राज भी कर चुके हैं। 1. शुएब अख्तर। पाकिस्तान। पहले लोगों का ख्याल था कि शायद 21वीं सदी में तेज बॉलर्स नहीं होंगे, और इसके बाद शुएब अख्तर आए। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शुएब अख्तर का कैरियर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और इंजरीज से भरा पड़ा है। शुएब अख्तर पहली बार दुनिया की नजरों में तब आए थे जब उन्होंने लगातार भारत के दो लेजेंड बल्लेबाज राहुल द्रविड़ और सचिन को यॉर्कर से बोल्ड किया था। शुएब अपने कैरियर में कई बल्लेबाजों को हार्ड रिटायर्ड भी कर चुके हैं। इनको अपनी तेज गेंदबाजी दिखाने का बहुत मजा आता था, और दुनिया की सबसे तेज बॉल भी शुएब अख्तर ने ही फेंकी थी। इनकी ये स्पीड ही बल्लेबाजों के लिए दहशत थी। इनका रनर अप भी इनकी स्पीड की तरह बहुत लंबा था। इनके अरूज के दिनों में बल्लेबाज इनकी गेंद को छू भी नहीं पाते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और हाँ, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।